उल अजहा का त्यौहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के चलते कासगंज जनपद में ईदगाह मस्जिद समेत तमाम मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। वहीं ईद की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा। वहीं कासगंज की पुरानी ईदगाह पर DM माथुर, SP बीबी, GTS मूर्ति मय पुलिस कर्मियों के मौके पर मौजूद रहे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बड़ी ईदगाह के मौलाना मोहम्मद फैजान ने ईद को अमन और भाईचारे का त्यौहार बताते हुए सभी से प्यार मोहब्बत से रहने की अपील की। वहीं DM हर्षिता माथुर ने बताया जनपद में 93 जगहों पर ईद की नमाज अदा की गई है। वहीं उन्होंने ईद के मुबारक मौके पर सभी को ईद की बधाई दी और शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाने के लिए सभी से अपील की। जनपद में आज 95 कुल मस्जिद एवं ईदगाहें हैं जहां पर ये पर्व मनाया गया है, और मेरे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भ्रमणशील रहते हुए जो जनपद के मुख्य बिंदु हैं, नई ईदगाह, पुरानी ईदगाह एवं जामा मस्जिद जैसे जो प्रमुख बिंदु हैं, वहां पर सभी जगह पर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था आदि को परखा गया, देखा गया, और जो संबंधित लोग थे उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।